हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून फ्रॉम दयापुरटी स्टेट। गाइस, मुझे हमेशा ना एडवेंचर खींचता है और जहाँ पे भी मैं एडवेंचर देखता हूँ ना, वहाँ पे मैं चल पड़ता हूँ गाइस। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ना, ये जो टी गार्डन है, ये दयापुर का टी गार्डन है, दयापुर टी स्टेट। तो यहाँ पे कुछ काम के लिए आया था और मुझे ये सब देखने को मिल गया, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये सब शेयर कर दूँ। थोड़ा बहुत मैं अंदर आया था और यहाँ का लोकेशन जो है ना गाइस, ये बहुत ही सुंदर लोकेशन है गाइस। इतना सुंदर लोकेशन, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। इतना गर्मी में भी मैं यहाँ पे आ गया गाइस, ये लोकेशन मुझे खींच के लेके आया इतना गर्मी पे भी। इस ब्लॉग को बनाने का और एक खास वजह, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस। साल में नॉर्थ ईस्ट पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पे आने के बाद भी ये लोग ना सिलचर को स्किप कर देते हैं। और सिलचर को क्यों स्किप कर देते हैं? क्योंकि इन लोगों को लगता है कि, टूरिस्ट लोगों को लगता है कि सिलचर में कुछ भी नहीं है देखने के लिए। हालांकि ये गलत बात है गाइस। सिलचर में ऐसा बहुत सारा बर्फ बर्फ के प्लेस पड़ा हुआ है गाइस, और ऐसा ऐसा प्लेस पड़ा हुआ है गाइस जो देख के वो लोग हैरान हो सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहता हूँ। लोग हमेशा दार्जिलिंग पे क्यों जाते हैं? दार्जिलिंग पे ऐसा क्या है देखने को? दार्जिलिंग पे कुछ भी नहीं है गाइस, ऐसा छोटा छोटा हिल्स है और हिल्स पे ऐसा टी गार्डन पड़ा हुआ है। तो ये सब तो गाइस हम लोगों के सिलचर में भी है, तो सिलचर में क्यों नहीं आते हैं लोग? सिलचर में टूरिस्ट लोग क्यों नहीं आते हैं? उसका वजह यही है गाइस, हम लोग ना सिलचर को प्रमोट भी नहीं करते हैं। अगर कोई भी सिलचर के बारे में बता रहा है तो हम लोग उसको शेयर नहीं करते हैं गाइस, लोगों को पहुंचाते नहीं है गाइस। सिलचर के वीडियो मिलता है या फिर कोई भी पिक्चर मिलता है तो आप लोग जरूर से उसको शेयर करना गाइस, लोग के बर्थ प्लेस को प्रमोट करना चाहिए गाइस। बस आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, सिलचर टूरिस्ट प्लेस के बारे में वीडियो या फिर सिलचर टूरिस्ट प्लेस के बारे में कुछ भी फोटोग्राफ मिलता है तो उन सभी को सिर्फ आप लोग अपने सोशल मीडिया पे शेयर जरूर से कर देना गाइस, तभी जाके हम लोगों का सिलचर प्रमोट होगा गाइस, तभी जाके हम लोगों का सिलचर में टूरिस्ट आएंगे गाइस। उन लोगों को पता चलेगा कि गाइस सिलचर में क्या मिलता है, सिलचर में क्या देखने को मिलता है। और गाइस, एक टूर के लिए भी प्लानिंग चल रहा है, आशा करता हूँ वो जो टूर होगा आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस। और उसी को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बींग पार्ट ऑफ माई डे। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।